सबसे पहले तो प्रणाम। और कुंडवासिनी देवी का मंदिर अभी हम सब ने भ्रमण किया, वहाँ हम सब गए, हमें काफी अच्छा लगा। तो वहाँ जाने के बाद वहाँ के इतिहास के बारे में जानने का बड़ा मन किया हमारा। तो सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम हृदय नारायण पाठी है जी। आप कितने सालों से इस गांव में रह रहे हैं? बचपन से मेरा जन्मदिन हुआ है इस गांव में। हम बता दें आपको कि हम फिलहाल कुराड़ी नामक गांव में हैं, जो कि चोपन के पास है, सोनभद्र जिले में स्थित है। दादाजी, इनका कोई जो है प्रमाणित इतिहास तो नहीं मिलता है, लेकिन जो है कुछ लेख हैं। ऐसा एक जो है अंग्रेज डीएम कोई था, उसके ज़माने की कोई डायरी वायरी मिली है, उसमें लेख था कि एक पहले जंगल था यहाँ, और चार पांच लोग रहते थे आदिवासी, और माँ जी का मंदिर भी था। इसके पहले शहर और सिटी है रहा होगा, क्योंकि हम लोग खुदाई जब करते हैं तो उस खुदाई में वो लाखौरी ईटा मिलता है, और मिट्टी के जो हड़प्पा कालीन जो है खिलौने मिलते हैं, मिट्टी के बर्तन जो है यहाँ बहुत तैयार जो है अच्छे अच्छे ढंग के मिलते हैं, और मिट्टी का जो है पानी भरने वाला जो कुंडा कहते हैं, जिसको घड़ा से बड़ा वाला होता है, वो कुंडा कम से कम मुड़ एक दस तीन तीन चार पाँच फीट ऊंचा तक का मिलता है, जब नदी का किनारा जो है गिरता है। और यहाँ जो है लोग कौड़ियों का संग्रह करते थे, तो इससे ऐसा लगता था जैसे ये जो है मुद्रा का जो प्रयोग जब चला होगा, तो कौड़ियों गिनती वगैरह का, तो कौड़ियों से गिनती, तो इससे लगता है कि बहुत प्राचीन जो है जगह है। वैसे ही पूरा क्षेत्र महाभारत काल से संबंधित है। अच्छा। और ये मंदिर भी हो सकता है कि महाभारत कालीन ही हो, क्योंकि कुछ लोग कभी खोज के लिए आए थे, महाराजा नल का मंदिर सोन के किनारे जो है वैष्णो देवी का मंदिर बना था, उसके खोज में आए थे, तो सोन नदी के किनारे मात्र ही एक ऐसा प्राचीन मंदिर है जो कि कुंडवासिनी धाम है। यहाँ जो है एक नाला है कुंडवा के नाम से, एक नाला है कुंडलिया के नाम से, तो इसका नाम कुंडलपुर रहा होगा। और महाराजा नल का की राजधानी भी थी कुंडलपुर, तो इस तरह से लगता है कि जो है किसी महाभारत काल के किसी राजा से संबंधित ही है। जो एक गांव समिया है यहाँ बगल में, वो भी महाभारत काल से ही प्रसिद्ध है। सेमानगर आज के 100 साल पहले वहाँ मेला वगैरह लगता था, जिसमें लोग कुष्ठ एक जहाँ वो अश्वमेध का घोड़ा स्नान करता था, वो उसको पुष्करणी कहते थे, जो श्यामकर्ण घोड़ा था, आज भी वो पहाड़ी है श्यामकर्णिका के नाम से जानी जाती है, और यक्ष कुबेर की पहाड़ी के नाम से उस गांव में जो है आज भी उस पहाड़ी का नाम कुबेरवा की पहाड़ी है। तो वहाँ जो है पांडव लोग जो है उस यक्ष राज कुबेर से छुड़वा करके उस घोड़े को लड़ करके ले गए थे, जहाँ स्नान करता था वहाँ आज भी प्रसिद्ध है कि लोग कुष्ठ के लोग अगर स्नान करें तो कुष्ठ जो है समाप्त हो जाता है। और उसके उस पार में रिजुल गांव है, जिसका नाम जो है महाभारत कालीन नाम ऋग्वेदपुर था, और सेमिया का ही एक भाग एक टोले का नाम जो है रंध्र छिद्रपुर है, छिद्रपुर यानी रंध्रपुर जो है महाभारत काल से रंध्रपुर जो है प्रसिद्ध था। इस तरह से जो है प्राचीन इतिहास से प्रसिद्ध प्राप्त क्षेत्र है, और ये महाभारत कालीन मंदिर भी है और उसी समय से और सिद्धपीठ है। यहाँ की जो देवी की प्रतिमा है वो इस कोई ऐसे पत्थर से काले पत्थर से बनी हुई प्रतिमा है, जिसको देख बराबर देखा जाए तो मूर्ति का जो है रूप रंग जो है चेंज होता रहता है, बराबर निगाह जो है एक अगर उस पर आप कोई भी लगाए तो बराबर जो है चेंजिंग उसमें दिखाई देती है। हाँ। और मूर्ति में आकर्षण है। इसके पहले मूर्ति थी जो कि आज के 25 साल पहले चोर ले गए, विष्णु भगवान की मूर्ति थी, और कला की दृष्टि से बहुत कलात्मक मूर्ति थी। ये मतलब कुंडवासिनी देवी के प्रांगण में ही थी वो विष्णु जी की मूर्ति जो यहाँ से चोरी कर ली गई है। अभी भी जमीन के अंदर अवशेष हैं यहाँ, जो कि ये बताते हैं कि ये जो है पहले जो है शहर रहा होगा। अच्छा। और
प्राचीन हड़प्पा कालीन जो है बर्तने गहने वो इसका क्या कहते हैं मिट्टी का बर्तन मिट्टी का खिलौना आदि जो है मिलते हैं, लाखौरी ईटा से बने हुए मकानों का नींव मिलता है, बाजार जो है अच्छे ढंग से बने हुए थे, 18 फीट की जो है सड़क जो है उसमें रहती थी, क्योंकि हम लोग जब खुदाई करते हैं पत्थर उत्थर की आवश्यकता होती है तो सड़क दोनों तरफ में एक मकान इस तरफ में तो एक मकान की नींव उस तरफ में जो है पत्थरों के उससे जो है शिला चट्टानों को जो है रख करके एक चट्टान से दूसरे चट्टान को जोड़ करके इस तरह से नींव जो है बनाई गई थी, बड़ी मजबूत नींव आज मिलती हैं, पत्थर जो है हम लोग खुदाई कराते हैं तो पत्थरों की नींव मिलती हैं। एक मकान का एक पेड़ के नीचे एक मकान का वो जो है छिपा हुआ है ना दिख रहा है प्लास्टर, पता नहीं कितने सौ साल का है अभी वो प्लास्टर एकदम इतना चिकना इतना शुद्ध बना हुआ है, चूने सुर्खी और चूने का प्लास्टर है वो अभी सुरक्षित है। ये जो मंदिर का निर्माण हुआ माता जी का ये मंदिर जो है बाबा धाम के मंदिर के ही तरह उसी कला से बना हुआ है और इसमें किसी भी मसाले का प्रयोग नहीं हुआ है, न सीमेंट न चूना न सुर्खी, ये पाषाण शिलाओं को काट काट करके एक पर एक बैठा करके इतना अच्छे ढंग से इसका किए हैं कि इसमें कहीं भी जोड़ और मसाला जो है नहीं मिलेगा। एक ही प्रवेश द्वार है, 3.5 मीटर के लगभग इसका वो है नींव, मतलब जो दीवार है 3 मीटर की दीवारें जो है बनी हुई है। हम कई सारे मंदिरों की कई सारे शक्तिपीठों की कहानियां सुनते हैं, कुछ चमत्कारिक कहानियां, आप सारी कहानियों में से आपकी सबसे पसंदीदा कहानी कुंडवासिनी देवी जी की क्या है? चमत्कारिक कहानी? हाँ, चमत्कारिक कहानी तो मैं अपने जो है आंखों से देखा हुआ, पूरे गांव के लोग जो है उस समय जो है देखे थे यहाँ का चमत्कार। यहाँ जो है सोन नदी के किनारे गांव बसा है, मंदिर है, तो 75 में बड़ा है, 75 में जो है बाढ़ आई, बहुत बड़ी बाढ़, और जिसमें जो है पूरा मंदिर का जो छत लेवल तक, मतलब दरवाजा जो है दरवाजा से ऊपर देवी जी के ऊपर तक जो है पानी जो है मंदिर के अंदर भर गया था, गांव के लोग जो है भाग गए थे। जब 2 दिन के बाद नदी जब खाली हुआ और मंदिर पर जो है जाने के लिए रास्ता, तो मंदिर के चारों तरफ कीचड़ कीचड़ था, लेकिन माता जी के मंदिर में उनकी चुनरी भी भीगी नहीं थी। अच्छा। और न कोई कीचड़ था न कोई, मतलब मंदिर के चारों तरफ कीचड़ थे पर माता जी मंदिर, हाँ, लेकिन देवी जी की चुनरी में पानी वगैरह नहीं लगा था, मतलब और वो जब घंटा बजा उसके बाद नदी का पानी अच्छा कम होने लगा। बहुत बढ़िया, मतलब सोनभद्र जो है उनका दर्शन किया और घंटा बजाए और फिर अपनी बाढ़ को, सोनभद्र नदी, सोन नदी, अच्छा नदी नहीं नद है, नद है, अच्छा, ये ब्रह्मा जी का पैदा किया हुआ भारत में, मुझे गंगा नदी है, सोन नद है, अच्छा अच्छा, अरे ये एक नई चीज जानने को मिली। तो दादाजी क्या हम मान सकते हैं कि हमारे जिले सोनभद्र का नाम सोन नदी पे पड़ा है? कह सकते हैं? हम इसलिए कह सकते हैं कि आज जो है इस क्षेत्र का जो विकास है, विकास का मूल स्रोत जो है सोन नदी ही था। जी, एक ये बहुत बढ़िया बात दादाजी ने कही, क्योंकि मैं जब अभी इस गांव में आ रही थी तो रास्ते मुझे बहुत सारे ट्रक दिखे, मेरे मन में था ये ट्रक खड़ी किस लिए है, तो दादाजी आगे का कहानी आप बताइए, आप बता रहे ना मूल स्रोत। मैं बता रहा हूँ कि जो सोनभद्र जिला है, हाँ, तो आज तो सोन नदी सोन बालू से प्रसिद्ध, हाँ, है, और ट्रक वगैरह सोन, मतलब इतना बालू का वो हो रहा है, इतना राजस्व सरकार को मिल रहा है, प्रदेश सरकार को, सही बात, सोन नदी से, और इसके साथ साथ जो है बाण सागर जैसा डैम इस पर बना हुआ है, जब डैम नहीं बनाता तो यहाँ से और बिहार पटना तक आवागमन होता था इस नदी से, नाव के द्वारा लकड़ियाँ जो है जाती थी, जो जंगल की जो कीमती लकड़ी थी वो मार्केट में
इसी नदी के द्वारा जो है बिकने के लिए जो है मार्ग जंगल के लिए खड़ी जो है इसी नदी से जो है बिकने के लिए जाती थी। हाँ मतलब एक साथ में 10 ट्रक 15 ट्रक जो है लकड़ी एक साथ में एक आदमी बहवा करके उसको वो कहते थे बहर बना करके उसको ले जाते थे। इतनी लकड़ी एक साथ में जो है जाते थे बड़ी मोटी मोटी और वजनी लकड़ी इतना पानी था इस नदी में। मुझे मैं मतलब बचपन में भी यहाँ पे आई हुई हूँ तो मुझे याद है कि हर नवरात्र यहाँ पे एक यात्रा आती है जय वायोली यात्रा। जो है लोगों लोग जो है अपनी आस्था के आधार पर 8 दिन 9 दिन तक जय का प्रोग्राम रखते हैं माता जी का गांव गांव में आदिवासी क्योंकि आदिवासी इलाका है तो वो गांव गांव में जो है अपना माता जी का एक अनुष्ठान करते हैं और फिर 9 दिन के बाद वो जो है लेकर के चलते हैं जिसमें बड़े बड़े लोहे के जो है वो त्रिशूल मुंह में जो है लगा करके जीभ में लगा करके हाथ में लगा करके नाक भेद करके और जीभ भेद करके नंगे पैर हाथ में आग लेकर के चलते हैं। यहाँ के जो भी मतलब टूरिस्ट लोग आते हैं क्या लगता है ये मंदिर सिर्फ लोकल लोगों तक फैली हुई है या बाहर के लोग भी यहाँ पे आते हुए पाए गए हैं? नहीं नहीं ये जो है हमारे यहाँ तो जो है 3 प्रदेशों से घिरा हुआ क्षेत्र है 3-4 प्रदेशों से बिहार मध्य प्रदेश। हाँ, हम आपको ये भी बताते चलें कि जो हमारा सोनभद्र मध्य प्रदेश तो मध्य प्रदेश की सीमा पर बसा हुआ और यहाँ से जो है लगभग 50-60 किलोमीटर की दूरी पर झारखंड है छत्तीसगढ़ है बिहार है सब 50-60 किलोमीटर के मध्य प्रदेश के किनारे जुड़ा हुआ है। इस तरह से 3-4 प्रदेशों से जुड़ा हुआ है यहाँ 3-4 प्रदेश के लोग जो है आते हैं दर्शन के लिए। हाँ दर्शन के लिए पहले पहले तो बहुत दूर दूर के लोग आते थे यहाँ मेला लगता है इसमें सोना चांदी और बड़ी बड़ी सामान पहले जो है ट्रैक्टर वगैरह की एजेंसियाँ भी लगती थी। अच्छा वगैरह बिकते थे मेले में। ठीक है दादाजी धन्यवाद काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू।